अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद आमना डॉट कॉम। मैं हूँ आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में बन रहा है पास्ता सैलेड। तो उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, पास्ता लिए हमने 1 कप, जिसे हमने बॉईल कर लिया, पानी लिया खुला, उसमें नमक डाला, थोड़ा सा ऑयल डाला और उसे बॉयल होने दिया। उसके बाद इसमें डाल दिया और 5 मिनट के बाद इसे निकाल लिया। तो ये 1 कप बॉयल हुआ पास्ता है, बॉयल होकर ये 2 कप बन गया। क्रीम लेंगे हम 4 टेबल स्पून, मायोनीज लेंगे हम 1/2 कप, गाजर लेंगे 1 बिल्कुल बारीक कटी हुई गाजर लेनी है आपने, पाइनएप्पल लेंगे हम 2 टेबल स्पून कटे हुए, शिमला मिर्च लेंगे 1/2 कटी हुई बिल्कुल बारीक हमने इसे काट लिया, कॉर्न लेंगे हम 4 टेबल स्पून बॉयल किए हुए, 1 अदर टमाटर लेंगे बीच निकाल के इसे हमने छोटा छोटा काट लिया, काली मिर्च का पाउडर लेंगे 1/4 टीस्पून, सफ़ेद मिर्च का पाउडर लेंगे चुटकी भर, अगर सफ़ेद मिर्च का पाउडर नहीं है तो मत डालें, काली मिर्च ही डाल सकते हैं, नमक लेंगे 1/4 टीस्पून, चीनी का पाउडर लेंगे हम 1 टीस्पून और ये थोड़ी सी कटी हुई हरी प्याज लेंगे गार्निश के लिए, एक बोल लेंगे इसमें मायनीज डालेंगे, क्रीम डालेंगे, चीनी का पाउडर, नमक, काली मिर्च का पाउडर, सफ़ेद मिर्च का पाउडर, मिक्स कर लेंगे इसे अच्छी तरह से, इसे मिक्स करें, हो गया मिक्स। और अब इसमें हम ये पास्ता डाल देंगे और साथ इसमें ये गाजर कटी हुई बिल्कुल बारीक आपने इसे काटना, पाइनएप्पल, शिमला मिर्च, टमाटर, कॉर्न बॉयल किए हुए, और अब इन चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे, आराम से इसे मिक्स कर लें। तो ये सैलेड हमारा तैयार है, इसे हम अब डिश में निकाल लेंगे। तो एक प्लेट ले लेंगे, उस पर ये सलाद के पत्ते रखेंगे, सलाद के पत्तों पे हम सैलेड रखेंगे। तो ये सारे आप बिछा लें, तो ये हम रखते जाएंगे। तो अब इसके ऊपर गार्निश करेंगे कटी हुई हरी प्याज की। तो तैयार है हमारा बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी और बहुत ही मज़े का पास्ता सैलेड। अगर आपके मेहमान आ रहे हैं तो आप ये वाला सैलेड बना के रखें तो बहुत ही मज़े का लगेगा उनको भी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। तो अगर आपको ये पास्ता सैलेड की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और इस बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने अभी तक लाइफ विद आमना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन पर क्लिक करके उसे सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। अल्लाह हाफिज़।